कि आपको भी राइड करना है। बहुत मजा आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे पंडित जी चैनल को और मैं दीपक तिवारी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के ब्लॉग में हम शूट करेंगे, वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम आए हुए हैं अपने गाड़ी पे। तो मैं एक बात बता दूं आपसे कि आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी को ऑपरेट कैसे करते हैं और इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा मैं। तो आइए एक बार हम अपनी गाड़ी का आपको व्यू दिखा देता हूँ चारों तरफ से। तो ये है हमारी गाड़ी जहाँ पे हम आए हुए हैं। ये पीछे वाली भी हमारी है, आगे वाली भी हमारी है और एक सबसे लास्ट में लगी हुई है वो भी हमारी है। ओहो, मुझे पता है दोस्तों आपको ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, इसलिए आज मैंने ये ब्लॉग शूट किया। वो जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये इसका बूम कहलाता है जो कि किसी भी वेट को लिफ्ट करता है। ये देखिए, ये हो गया कैबिन। ओहो, मुझे पता है दोस्तों आपको ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, इसलिए आज मैंने ये ब्लॉग शूट किया। ये है दोस्तों हमारे गाड़ी का कैबिन। तो आइए हम इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर चल के मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इसके बारे में कि इस गाड़ी को ऑपरेट कैसे करते हैं। ये हो गया हमारे गाड़ी का डैशबोर्ड जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और ये हो गया गाड़ी का लीवर। हाँ जी दोस्तों, इसमें काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि इस गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं होता तो ये गाड़ी कंट्रोल कैसे होती है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस गाड़ी को कंट्रोल कैसे करते हैं। ये रहा इसका गियर और ये हाई एंड लो का गियर है। इसमें तीन गियर होते हैं, रिवर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। और आज की ये मेरी पहली ब्लॉग है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और मेरे पंडित जी चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। तो विंड सील के अंदर से मैं एक आपको इसका व्यू दिखा देता हूं। तो ये अंदर से ऐसा व्यू आता है इसका, ये देखिए, ये मैं बैठा हुआ हूं। ये रहा इसका क्लच, ये रहा इसका ब्रेक और ये देन इसका एक्सलेटर। ठीक है फ्रेंड, गाइस मैं आपको बता देता हूं इसके कुछ जो डैशबोर्ड पे इसका मीटर हुआ है इसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जो ये मीटर है ये फ्रेंड RPM का है, इसमें स्पीडोमीटर नहीं दिया हुआ है। इसमें ये आपको स्पीड शो करेगा, तो मैक्सिमम जो इसकी स्पीड है वो इतनी है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों एक्चुअली बड़ी गाड़ियों में स्पीड कम होता है क्योंकि ये मशीनरी चीज़ है। और जो ये मीटर शो करता है इसमें आपको ऑयल प्रेशर शो करता है। हाँ जी दोस्तों, ऑयल प्रेशर शो करता है और इसमें टेम्परेचर शो करता है, कितनी आपकी गाड़ी हीट हुई है, कितनी नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, जो ये वाला मीटर है इस मीटर में आपको ये बताएगा ब्रेक का जो एयर प्रेशर है। ये ब्रेक पेडल पे मैंने अपना पैर रखा, देखिए मैं इसको दबाऊंगा, थोड़ा सा पुश करूंगा तो ये मेरा मीटर थोड़ा सा, पहले मैं इसमें अपनी चाबी लगा लेता हूँ। हमने ऑन किया तो अभी जो एयर मीटर बता रहा है, एयर बता रहा है वो 6 से थोड़ा सा कम बता रहा है। देखिए अब मैं इस पर थोड़ा सा ब्रेक पेडल को प्रेस करता हूँ, ये मैंने प्रेस किया तो थोड़ा सा उधर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ब्रेक का पैडल का एयर प्रेशर बताता है। और ये हो गया वाइपर का, जो विंडशील्ड पे आपको वाइपर दिख रही है, ये वाइपर चालू करने से वाइपर चालू हो जाएगा। एक बार मैं चालू करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए चालू हो गया। ठीक है, इसको मैंने प्रेस किया तो वाइपर चालू हो गया। यहाँ पे देखिए आइकन भी बना हुआ है। और ये हो गया हेडलाइट का, हो गया है ये पार्किंग लाइट का, देन ये बैक लाइट का, जो हमारे बैक में लाइट लगी हुई थी। आइए मैं उसका व्यू आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं ये बता दूं इससे हमारा इंजन स्टार्ट होता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा आवाज़। देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको बंद कर लेते हैं। इसको बंद करने के लिए हमें इसको कूल करना पड़ेगा। बंद हो गया हमारा इंजन और ये हो गया हमारा कैबिन लाइट, इसको मैं ऑन करता हूँ। देखिए मैंने इसको ऑन किया और यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया। ठीक है, देखिए ऑन हो गया। क्या होता है रात में काम आता है, ड्राइवर को कोई परेशानी ना हो इसलिए। और ये हो गया हमारा हॉर्न, इसको प्रेस करने से हॉर्न बजता है। जब ट्रैफिक में हम लोग फंसते हैं तो ऑफिशियली हम लोग हॉर्न का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया कुछ इसके बेसिक नॉलेज। अब मैं आपको स्टीयरिंग के बारे में इसके बताता हूँ कि ये कंट्रोल कैसे होता है, इसको चलाया कैसे जाता है। जो इसका बूम होता है वो जो आपको बूम दिखाई दे रहा है
वो नीचे ऊपर कैसे होता है, मतलब कैसे, आप लोगों को ये पता नहीं होगा, मेरे को भी उतना पता नहीं है, लेकिन जितनी बेसिक नॉलेज मुझे है मैंने सीख रखी है, तो उतनी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ आज के ब्लॉग में। वैसे दोस्तों मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं यहाँ कभी कभी आता जाता रहता हूँ, तो मेरे को इसके बारे में नॉलेज मिल चुकी है, क्योंकि मैं ड्राइवर से पूछता रहता हूँ भैया इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं अपनी गाड़ी पे पहली बार आया था तो मैं भी शॉक हो गया था कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं इस लीवर से, तो मैं पूरा शॉक हो गया था कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। फिर मेरे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, भैया इस लीवर से क्या होता है, इस लीवर से क्या होता है, वो बताते बताते थक गए थे। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो आप लोगों के साथ खुशी अपनी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये चार लीवर दे रहा है, इन चारों का काम अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है। ये आगे पीछे होता है, सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं होता है, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है। तो इसी से इस बड़ी सी मशीनरी हाइड्रा को, जिसका नाम है हाइड्रा क्रेन, ठीक है, इसको इसी लीवर के जरिए कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टिकर लगाया हुआ है हाइड्रा कंपनी वालों ने, इसको आप देख लीजिए। देखिए जो ये होता है, ये फर्स्ट लीवर, ये है हमारा स्टीयरिंग। इसको फ्रेंड यदि हम आगे की तरफ पुश करते हैं तो हमारी गाड़ी लेफ्ट टर्न होगी, ठीक है, और इसको पीछे की तरफ पुल करते हैं तो हमारी गाड़ी राइट की तरफ टर्न होगी, ठीक है। और जो सेकंड लीवर है दोस्तों, ये है हमारा बूम का। अगर हम आगे करते हैं इसको तो देखिएगा हमारा बूम जो है वो डाउन होगा, देखिए देखिए बूम हमारा डाउन हो रहा है। और यदि इस लीवर को मैं पीछे की तरफ पुल करूँ तो हमारा लीवर ऊपर की ओर उठेगा। अगर आपने इसके नीचे किसी मशीन को लिफ्ट कर रखा है तो इसको ऊपर करने से आपकी मशीन लिफ्ट हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, तो इसी काम में ये आता है। और ये है हमारा बूम एक्सटेंशन, इससे क्या होता है, जो हमारा बूम दिख रहा है दोस्तों आगे, तो वो और ज़्यादा निकलता है अंदर से। हाँ जी दोस्तों, ये अंदर से तकरीबन 20-25 फुट ज़्यादा निकलता है। क्या होता है, हाइट पे कोई सी मशीन चढ़ानी होती है तो हम इसको आगे करते हैं तो इसके अंदर से एक और बूम निकलता है, उसके अंदर से एक और निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया बूम एक्सटेंशन, इसको पीछे रिट्रैक्ट करते हैं तो अंदर की तरफ वो आता है। और ये हो गया हमारा सीलिंग रस्सा होस्ट, अगर इसको आगे की तरफ करते हैं, जो आगे जो वो हुक दिख रहा है आपको, हुक मैं वीडियो जूम कर देता हूँ उस पर, जो आपको हुक दिख रहा है, तो इसको करने से वो हुक नीचे आ जाएगा आगे करने से, और इसको यदि हम पीछे करें तो हुक हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इन चारों लीवर का अलग अलग काम है दोस्तों। इस वीडियो में मेरे को जितनी नॉलेज थी मैंने आपके संग शेयर की, तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इस पर जम के लाइक करो और हमारे पंडित जी चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ऐसी ऐसी ब्लॉग देखने के लिए। तो आज की मेरी ये पहली ब्लॉग थी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। तो ये रहा हमारे गाड़ी का कार्ड, हम दिल्ली और दिल्ली NCR में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये जो सर्विस होती है ये रेंटल पैक पे भी हो सकती है। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी पहली ब्लॉग दोस्तों? यार ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।